नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा। ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच खेली जा रही एशेज सीरीज में इंग्लैंड ने बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन करके दिखाया है। 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में अभी तक 4 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें इंग्लैंड 3-0 से पीछे है। चौथा टेस्ट ड्रॉ होने की वजह से इंग्लैंड ने अपना सम्मान बचाया है, मगर इंग्लैंड की इस हार और खराब प्रदर्शन का जिम्मेदार इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने भारत को ठहराया है और अब इस बात का बदला इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भारत से लेगा। बता दें कि ईसीबी ने इंग्लैंड के खराब प्रदर्शन का जिम्मेदार दुनिया की सबसे बड़ी और प्रचलित लीग आईपीएल को ठहराया है। ऐसे में एशेज की हार के कारण इंग्लैंड के खिलाड़ियों को एक और झटका लग सकता है, जिसके चलते उन्हें इस साल आईपीएल के आगामी 2022 सीजन में खेलने से रोका जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड एशेज में बुरी हार का रिव्यू करेगा, जिसके चलते उसके खिलाड़ी आईपीएल में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। आपको बता दें कि इस बार का आईपीएल काफ़ी बड़ा होने वाला है, क्योंकि इस साल आईपीएल में 8 नहीं बल्कि 10 टीमें हिस्सा लेंगी। बता दें कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इंग्लैंड को न्यूजीलैंड के खिलाफ गर्मियों की शुरुआत में टेस्ट सीरीज खेलनी है, जिसकी तैयारी के लिए ईसीबी अपने कुछ खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट में प्रथम श्रेणी क्रिकेट खिलाना चाहता है, जिससे न्यूजीलैंड के खिलाफ जून माह में होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए मजबूत तैयारी की जा सके। ऐसे में उन आईपीएल टीमों को नुकसान हो सकता है जिन्होंने इंग्लिश खिलाड़ियों को रिटेन किया है। आपको बता दें कि रिटेन हुए खिलाड़ियों में विकेटकीपर बल्लेबाज जॉस बटलर हैं, जिन्हें राजस्थान रॉयल्स ने रिटेन किया है, तो वहीं ऑलराउंडर मोइन अली, जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने रिटेन किया है। सूत्रों की माने तो ये खिलाड़ी आईपीएल के लीग चरण के बाद क्वालिफायर के दौरान अपने वतन वापस लौट जाएंगे, जिससे टीमों को नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।